जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेबल। दोस्तों अभी जिस तरीके से एकदम से खबर आई जो मुझे तो खैर हिला ही दिए, मैं उसमें क्या बताऊं कि एकदम से यूनाइटेड किंगडम में लेनिस्टर एक शायद जगह का नाम है, वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए और क्रिकेट के नाम पर दंगे भड़के। ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश मुझे नजर आ रही है। बाकी अपना अपना एक विचार है ये कैसे भारत के खिलाफ साजिश है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, अगर दोस्तों आप यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी पीसीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं जहां पर जीएस पूछी जाती है, तो आप लोग बेझिझक हमारे, भाई आपका सबसे बड़ा जो कमजोरी होती है वो एनसीईआरटी का के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, इसी को फोकस करते हुए हमने एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्टर बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। क्योंकि बच्चा अक्सर फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी उसको समझ में नहीं आ रही होती या फिर एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता। दूसरा दोस्तों, यहीं इसी वजह से अगर आप देखेंगे, अच्छा तो इसका जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेट 5 मंथ्स की है, थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे होता ही है, और साथ में इसकी जो फीस है वो बड़ा नॉमिनल है, ₹500 कंप्लीट कोर्स की फीस है जिसकी ड्यूरेशन 1 साल है, यानी 1 साल तक आप इस कोर्स को चाहे 2 बार देखना चाहे देख सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे कोर्स के ऊपर हमारी ऐप स्टडी टेबल जो है उसे डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को अवेल कीजिए। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों टॉपिक हिंदू मुस्लिम दंगे। देखो हिंदू मुस्लिम रायट्स को अगर हम देखते हैं तो ये इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक आम बात है। भाई इंडिया में अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आपको साफ नजर आएगा कि हिंदू जो माइनॉरिटी थी तो वो गायब ही हो चुके हैं। इंडिया के अंदर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा होते हैं, धर्म का नाम उसमें कम होता है। तीसरा, अगर बांग्लादेश देखेंगे तो बांग्लादेश के ऊपर माइनॉरिटी एट्रोसिटीज के ऑब्जेक्टिव से करवाया हुआ ज्यादा दिखाई देता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी थोड़े ही दिन पहले दुर्गा पूजा के पंडाल के अंदर हनुमान जी के हाथ में कुरान रख दी गई, जिसका हवाला देकर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, मारा गया, पीटा गया, जो भी था, और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बाद में पता लगा सीसीटीवी कैमरा में कि जिसने वो कुरान रखी थी वो खुद एक मुस्लिम था और किसी एक पर्टिकुलर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से वो कनेक्टेड था। अब आप समझ कर देखिए, यहां पर ही तो यही तो सिचुएशन है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। यानी जो ये कॉम्युनल रायटिंग है ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी साउथ एशिया का एक बेसिक फीचर है, जिसके अंदर ये आपस में, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में, पाकिस्तान में तो खैर एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं हिंदूज और अब वो सिर्फ वही बचे हैं जो वहां पर जमादारी या दूसरा काम करना शुरू करते हैं और बाकायदा वहां पर सेना के अंदर भी खबर निकलती है या सेना के अंदर भी एडवर्टीजमेंट निकलती है कि जो टॉयलेट क्लीनर से जमादार की जो पोस्ट है उस जमादार की पोस्ट के ऊपर केवल हिंदू ही भर्ती हो सकते हैं, बाकी कोई भी भर्ती नहीं होगा और उनका पे स्केल भी उसी हिसाब से बड़ा एक डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में होता है। लेकिन असलियत में यूके, अमेरिका या इन देशों में जब हिंदू मुसलमान लड़ने लग जाए एक प्लैंड वे में, तो कहीं ना कहीं कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न है। भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बेवकूफों की, अनपढ़ों की एक फौज है, बहुत बड़ी फौज है, जिनके लिए धर्म ही सब कुछ है, धर्म के अलावा उनको कुछ चीज समझती नहीं है, और वही लोग जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक लगातार किसी ना किसी मामले में धर्म के नाम पर उलझे रहते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस या किसी भी दूसरे देश में जाने वाले जो इंडियंस हैं वो जनरली पढ़े लिखे हैं, और जब ये पढ़े लिखे, नॉट ओनली इंडियन, लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ना ये भी पढ़े लिखे हैं। अब इंडियन और पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग और वहां पर इनका ऑब्जेक्टिव धर्म का प्रचार प्रसार नहीं या अपना डोमिनेंस, देखो जो कॉम्युनल राइट्स होते हैं उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव जो है अपना एक सोशल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना भी होता है कि हमारी सोसाइटी और हमारे ग्रुप की चलेगी। ब्रिटेन, फ्रांस में तो ऐसा कोई है भी नहीं कि आप खुद सोचकर देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस में क्या इस टाइम पर किसी भी तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं
कि वो लोग जो बहुत ही माइनॉरिटी में, दोनों ही माइनॉरिटी में हैं, वो लोग खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करके लड़ेंगे। वहां कोई चीज ऐसी है ही नहीं। अब जब वहां कोई चीज ऐसी है ही नहीं, कोई मामला ऐसा नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो ये लोग लड़ क्यों रहे हैं एकदम से? मुझे इसमें अलग अलग, क्योंकि देखिए मैं पिछले 2-3 दिन से इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, इस पूरे मैटर को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे को मीडिया से ही जो खबरें मिली हैं वो, और एक दो जो मेरे रिलेटिव्स लंदन वगैरह के अंदर है उनसे बातचीत हुई, तो उनसे जो पता लगा वो बड़ा चौंकाने वाला था। पहली बात, जिस शहर में रायट्स हुए वहां पर नो डाउट हिंदू मुस्लिम्स बराबर के, अप्रोक्सीमेट कंपेरेटिवली इक्वल नंबर के अंदर रहते हैं, और वो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों के दोनों हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो मुस्लिम्स हैं वो भी इंडियन और पाकिस्तानी दोनों हैं, यानी इंडियन मुस्लिम्स भी हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी, यानी बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे जिनका ओरिजिन इंडियन है। अब ऐसी सिचुएशन में वहां इंडियन वर्सेस पाकिस्तान रहने की जगह अब हिंदू बना मुस्लिम हो चुका है, जो कि डराने वाला है। अब ये क्यों हुआ? वहां के जब लोगों से या वहां पर बात करेंगे और मीडिया से भी जो खबरें निकल कर आई, वहां मुझे एक बॉटम लाइन नजर आई। बॉटम लाइन क्या? कि जितने प्रोटेस्टर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो सारे जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं, क्या नाम है, इससे रिलेटेड है कि वो सारे के सारे जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां के लोकल्स नहीं हैं। तीसरी बात, वहां पर जानबूझकर 28 अगस्त के मामले को, 28 अगस्त को जो क्रिकेट मैच हुआ था उसके मामले को जानबूझकर 20 सितंबर और उसके बाद उठाया जा रहा है। राइट्स करवाने का यही तो तरीका होता है कि जानबूझकर ये राइट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है हिंदू कॉलोनीज में आके चाकुओं से हमले किए जा रहे हैं, उनके जो धार्मिक प्रतीक है उन्हें तोड़ा जा रहा है लैंड। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली जो सिचुएशन वहां नजर आई वो ये कि हिंदू हिंदू एक तरफ दिखाई जा रहे हैं, एक तरफ हिंदू, और सिख प्लस मुस्लिम जो हैं वो दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली सिचुएशन ये है कि जो हिंदुओं की तरफ से हिंदुओं के ग्रुप में मैसेज शेयर किए जा रहे हैं, उन मैसेजेस में जो है हिंदुओं को हिंदू वर्सेस सिख प्लस मुस्लिम दिखाया जा रहा है। ये सिचुएशन कान खड़े करने वाली है, ये सिचुएशन डरा देने वाली है। इसी सिचुएशन को सोचकर देखिए असलियत में है क्या। ये असलियत में ये जो सिचुएशन है जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिख वगैरह आमने सामने आ चुके हैं, इसे अगर ढंग से देखेंगे ना तो आपको अलग ही कहानी नजर आएगी। कहानियां बिल्कुल अलग है। क्या कहानी है समझिए। यहां कहानी असलियत में यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो असलियत में पेड ग्रुप्स के लोग हैं जिनको काम ही रायट्स करवाना है। पहले भी हिंदू मुसलमानों के मामले आते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के बाद लोग गुस्से में केवल टीवी तोड़ते थे, क्योंकि नेशनलिज्म भड़क रहा होता था ना, तो लोग गुस्से में केवल टीवी तोड़ते थे, लोग एक दूसरे की गर्दनें नहीं काटते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हो क्यों रहा है इसका एनालिसिस करके देखिए। असलियत में दोस्तों यहां पर इंडिया एज अ राइजिंग पावर है, इंडिया एज अ राइजिंग पावर है, जिसके अंदर अगर आप देखते हैं तो पूरी ताकत से इस समय पर ब्रिटेन को इंडिया पीछे छोड़ चुका है, जीडीपी के मामले में, पावर के मामले में भी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में ब्रिटेन जो है इंडिया से काफी ज्यादा पीछे रह चुका है और इंडिया काफी डोमिनेटिंग सिचुएशन में है। दूसरा, इंडिया के अंदर एक स्ट्रांग एंड स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद है। हमेशा याद रखिएगा वेस्टर्न कंट्रीज की एक पॉलिसी शुरू से रही है, शुरू से वेस्टर्न कंट्रीज की एक पॉलिसी रही है क्या, कि वो हमेशा हमेशा किसी भी डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर या डेमोक्रेसी के नाम पर हमेशा किसी भी गवर्नमेंट को कमजोर किए रखने की हमेशा से कोशिश करे रहते हैं। और वो जो डिवाइड एंड रूल इनका, डिवाइड एंड रूल जो सेक्शन जो इनका एक सबसे बड़ा वेपन था, कहां, जब हिंदुस्तान गुलाम था तब, जिसके बदले पे पार्टीशन हुआ, वो डिवाइड एंड रूल तब भी था और वो डिवाइड एंड रूल अब भी है। अभी भी ये इंडिया जैसी किसी भी कंट्री को
ताकतवर होते हुए या ताकतवर बनकर उभरते हुए देखना नहीं चाहते, ये सच है। यही रीजन है जब जब इंडिया में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का इमर्जेंस होता है तब तब आप देखेंगे इंडिया में कुछ ग्रुप्स एकदम से रिवाइव हो जाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है खालिस्तानी ग्रुप, खालिस्तानीज। अब ये खालिस्तानीज हैं कौन? ये असलियत में कनाडा, खासकर कनाडा के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स का एक ग्रुप है जिनको लगता है कि आजादी के नारे लगाने से वो आजाद हो जाएंगे, और जो कि मतलब बहुत ही एक जिसे कहते हैं विजनलेस सोसाइटी, मतलब टैक्सी ड्राइवर्स की एक विजनलेस सोसाइटी जो कि आजादी के नारों से काफी ज्यादा प्रभावित होती है और उनको लगता है कि उनका एक जो देश है वो बनना चाहिए पंजाब। अब वो असलियत में खालिस्तानी शुरू से इतने ज्यादा स्ट्रांग ताकतवर कभी नहीं रहे, ये समझ लीजिएगा। खालिस्तानी कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रांग या डोमिनेटिंग सिचुएशन में इंडिया में नहीं थे, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी का राइज होता है, सोच कर देखिए, इंदिरा गांधी का राइज होता है और इंदिरा गांधी 1971 वॉर के थ्रू पाकिस्तान के दो टुकड़े करके रख देती है, और कम से कम अपने आप को एक रीजनल पावर की फॉर्म में इंडिया जो है वो क्लेम करता है। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं, इंडिया ने जिस दिन अपने आप को रीजनल पावर की फॉर्म में क्लेम किया और इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना जबरदस्त था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ किसी भी बड़े नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ओपनली चैलेंज कर सके और अपने दम पे इंदिरा गांधी को हरा सके। जब इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंदिरा गांधी, स्ट्रांग इंडिया इज अ थ्रेट टू वेस्टर्न नेशंस, स्ट्रांग इंडिया, स्ट्रांग चाइना, स्ट्रांग रशिया इज अ थ्रेट टू वेस्टर्न नेशंस, इस कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन वेस्टर्न नेशंस के लिए कोई भी स्ट्रांग कंट्री हमेशा से एक थ्रेट रहेगी, ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भी थ्रेट थी अमेरिकन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। यहीं से एक तरफ आपको इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको इंडिया में कश्मीर इशू एकदम से सुलगता हुआ नजर आएगा और वो वायलेंट होता हुआ नजर आएगा। तीसरी तरफ एकदम से आपको इंडिया में कम्युनलिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप इसे ग्राफ में देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि असलियत में ग्राफ में है क्या। अगर हम मोटे तौर पर ये इंडिया का नक्शा इस तरीके से देखते हैं तो ये मोटा मोटा है कि इन लोगों ने इंडिया को जिस तरीके से डिवाइड किया, ये एक बेल्ट इस तरीके से, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां इंडिया को डिवाइड किया कॉम्यूनल लाइन्स पर, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां इंडिया को इन्होंने डिवाइड किया नेक्सलाइट्स वाली लाइन पर, और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां पर इंसर्जेंसी जो है वो दूसरी थी, यहां और ऊपर से कश्मीर के अंदर भी इंसर्जेंसी थी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, और इसी इंसर्जेंसी में पंजाब का खालिस्तान भी एक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि असलियत में है क्या। भाई सोचकर देखिए, 1971 में इंडिया जब पावरफुल हो रहा था और अपने आप को एक रीजनल पावर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया और पॉसिबली इंडिया एक सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा था, ऐसे में इंडिया को अंदर से खोखला करना है। तो कैसे खोखला करोगे अंदर से? अंदर से खोखला करने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि कश्मीर इशू को सुलगाओ इंसर्जेंसी के नाम पे। भाई वहां तो हिंदू मुसलमान अभी कर नहीं सकते, समझे? तो 1970s में कश्मीर इशू सुलगने लग गया था। यहां खालिस्तान मूवमेंट को सुलगाओ कॉम्यूनल लाइंस में कि सिख बनाम हिंदू, हिंदू मुस्लिम करो इस पूरे रीजन में, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तक के अंदर, इवन कर्नाटका तक के अंदर, जहां जहां प्रॉस्पेरिटी है, और प्रॉस्पेरिटी में नेशनलिज्म नहीं पनपता, तो जहां जहां प्रॉस्पेरिटी है नेशनलिज्म नहीं पनपता, वहां वहां आप सिर्फ एक काम कर दो, वहां पर आप कॉम्युनलिज्म, हिंदू वर्सेस मुस्लिम को भड़काना शुरू करो, और इस हिंदू वर्सेस मुस्लिम में कुछ मत करो। सऊदी अरेबिया की जो रेडिकल थॉट है
उसको लेके आओ और इंडिया में इन्फ्यूज कर दो। मुस्लिम रेडिकल होगा, उसके रिएक्शन में हिंदू रेडिकल होगा, ये दोनों के रिएक्शन को संभालते संभालते भारत सरकार मर जाएगी। दूसरी तरफ जहां जहां गरीबी है, भुखमरी है, कमजोरी है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वहां नक्सलिज्म को बढ़ावा दो। तमिलनाडु में इन ग्राउंड्स को फिट नहीं बैठा पा रहे तो श्रीलंका को इस तरीके से भड़का दो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मामले में इंडिया हमेशा कंफ्यूज रहे। और जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सिर्फ आप एक काम करो, अलग अलग छोटे छोटे हर स्टेट के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाओ और भारत सरकार को वहां उलझा दो। 1971 में इंडिया के साथ यही हुआ था। और सोचकर देखो, इंदिरा गांधी के एक्सपायर होने के बाद एकदम से खालिस्तान मूवमेंट गायब। अगले 10 साल में खालिस्तानी कहां है पता नहीं, जबकि सरकारें कमजोर हैं। कमजोर सरकारें थी, खालिस्तान मूवमेंट गायब हो गया। मजबूत सरकार थी, खालिस्तान मूवमेंट खड़ा हुआ था। कमजोर सरकारों ने ऐसा कुछ क्या करा होगा भाई कि खालिस्तान मूवमेंट गायब होगा, खालिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वहीं अगर आप देखोगे, एकदम से कमजोर सरकारों के टाइम पर कॉम्युनल इश्यूज बने रहे, बीजेपी ने उसको सुलगाए रखा, लेकिन फिर भी कॉम्युनल राइट्स गायब हो गए। 92-93 के बाद आप देखेंगे कॉम्युनल राइटिंग गायब है। फिर सीधा आपको 2002 में दंगे नजर आते हैं, फिर उसके बाद सीधा आपको 12-13 के अंदर मुजफ्फरनगर राइट्स नजर आते हैं, और फिर उसके बाद एकदम से आपको मोदी सरकार के अंदर राइट्स, कुछ दिल्ली राइट्स और दो चार, और एकदम से इंडिया के अंदर सोच कर देखो ना, वो रामनवमी वाले मामले सारे के सारे कम्युनल राइटिंग के अंदर नजर आते हैं। नेक्सलिज्म जो है, भारत सरकार ने नेक्सलिज्म की गर्दन दबा दी। मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट नेक्सलिज्म को दबाना और इंसर्जेंट ग्रुप्स को दबाना, एनजीओस की फंडिंग को रोकना, और बहुत सारे एफसीआरए से लेकर इतने कानूनों में संशोधन किए हैं। हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत गजब काम हो रहा है, यहां तो बहुत गजब काम हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया की एक और स्ट्रेंथ है जो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ के बैठी हुई है, उस चीज को अभी इन वेस्टर्न कंट्रीज ने इग्नोर किया हुआ था, और वो था इंडियन डायस्पोरा। मेरा अभी हालांकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज में ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद जो रेडिकल माइंडसेट वाले लोग हैं वो अब लंदन पहुंचने लगे और उन्होंने कहीं ना कहीं मामले को भड़काया है। तो मेरा मानना यह है कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी तो पहले से रेडिकल थे भाई, तब क्यों नहीं मुद्दे भड़कते थे? और क्या सारे इंडियंस जो हैं वो रेडिकल नहीं होते थे? ये जो आइडिया है इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। ये एक सोची समझी रणनीति है विदेशों की, जिसके अंदर इंडियन डायस्पोरा को टारगेट किया जा रहा है। क्यों इंडियन डायस्पोरा को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे बताइए जरा। और इस इंडियन डायस्पोरा में हिंदू हुआ, सिख हुआ और मुस्लिम हुआ, ये तीनों के तीनों एक लाइन में खड़े होकर मोदी जी का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। Yes. तीनों के तीनों एक लाइन में खड़े होकर मोदी जी का स्वागत करते हैं। आपने जलवे देखे होंगे, कभी हाउडी रोदी का मोदी, कभी कहीं कुछ, और इनके स्वागत के अंदर जो जो जलसे होते हैं, जो जो मतलब इंडियन डायस्पोरा के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उस इंटर डायस्पोरा को एक साथ लाकर खड़े करने का काम जो मोदी जी ने किया, और वो इंडियन डायस्पोरा जो है इन विदेशों के अंदर जो रहकर इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए काम कर रहा है, ये अमेरिका, ब्रिटेन और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए एक सरदर्द है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, यूके के, यूनाइटेड, क्या नाम है, अमेरिका के अंदर 5% के करीब इंडियन डायस्पोरा के वोट्स हैं। 5% बहुत होते हैं अमेरिका जैसे इलेक्शंस के अंदर। ब्रिटेन के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर इंडियंस मौजूद है। अभी सोचकर देखिए, ऋषि सुनक का मामला, ऋषि सुनक जो थे वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में लास्ट तक गए हैं, लास्ट तक, वो सिर्फ इसलिए कि अगर वो इंडियन ना होते तो शायद राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री वहां के बन चुके होते। लास्ट तक एक इंडियन का वहां तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली आपको मतलब एक दबाव तो डाल ही रहा है। अब ऐसे में इंडियंस की जो मजबूती है वो देखिए, इंडियंस की जो मजबूती है वो दुनिया के हर जगह पर देखिए। यानी इंडिया अंदर से तो मजबूत हो ही रहा है, तो इंडिया को अंदर से भी खोखला करना है और बाहर वो जो इंडियन डायस्पोरा है उसे डिवाइड करना है।
अब वो इंडियन डायस्पोरा को मोदी जी ने मजबूत कर दिया है, तो वो डिवाइड कैसे होगा? वो डिवाइड होगा कॉम्युनल लाइंस पर। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे करवाओ और उसके बाद हिंदू और सिखों के बीच में एक लाइन क्रिएट कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। यही एफर्ट हो रहा है, यही कोशिश हो रही है लंदन के दंगों में, एक कॉम्युनल लाइंस के ऊपर डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है। कॉम्युनल लाइंस पर एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियली, वरना पढ़ी लिखी सोसाइटीज धर्म के नाम पर दंगे नहीं करती। सोचकर देखिए, बाहर से आए हुए लोगों ने दंगे भड़काए हैं और वहां पर जो लोग हैं अब उनके यंगस्टर्स को भड़का रहे हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो। उससे क्या होगा? अब इंडियंस की जो इमेज एक एंटरप्रेन्योर वाली है, एक टेक्नोक्रेट वाली है, वो इमेज अब दंगाई की फॉर्म में होगी। ये इमेज दुनिया में, इंडिया की इमेज जो इस टाइम पर एक तरक्की पसंद देश की है, वो इमेज कहीं ना कहीं दंगाई के रूप में जब बनना शुरू हो जाए, भाई पाकिस्तान तो भूखा नंगा कंगला देश है, इंडियंस की इमेज बाहर अगर ऐसी बनेगी तो इंडियंस को अगर दुनिया इस तरीके से देखना शुरू कर देगी तो कहीं ना कहीं इंडियंस को प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। और इंडियन कम्युनिटी को प्रॉब्लम आने का सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर डेंट पहुंचेगा और वहां से इंडिया की जो समस्याएं हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे ये पूरे का पूरा एक षड्यंत्र लग रहा है जो इंडिया के खिलाफ विदेशों में रचा जा रहा है, क्योंकि इंडिया का बिहेवियर इस समय पर प्रो वेस्ट नहीं है। ना तो इंडिया अमेरिका को फॉलो कर रहा, ना ही इंडिया ब्रिटेन को फॉलो कर रहा। ब्रिटेन, अमेरिका, जितने भी सब देश हैं, इन सब ने पूरी कोशिश कर ली कि इंडिया रशिया से अलग हो जाए, नहीं हुआ। इंडिया मल्टी जो अलाइनमेंट पॉलिसी है उस पर चल रहा है और अमेरिका जो है उसको ये पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है। और यही एक कारण है कि इंडिया और इंडिया को किसी ना किसी मामले में कमजोर करने के लिए, उसके रुतबे को दुनिया में कम करने के लिए, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो पूरी पॉपुलेशन दुनिया के अंदर इंडिया का नाम रोशन कर रही है, उसको इस समय पर दंगाई के रूप में प्रोजेक्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब वो आगे क्या होगा वो तो देखो दोस्तों, वक्त बताएगा। रियलिटी क्या है वो हायर अथॉरिटीज जानती हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें हैं और जो ग्राउंड लेवल पर मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो सिचुएशंस जो हैं वो लगभग लगभग ऐसी ही नजर आ रही हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।